अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के देवघर जिला इकाई के द्वारा बाबा गणिनाथ निशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन विधायक नारायण दास ने फीता काटकर किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरज झा झारखंड मुक्ति मोर्चा, महेश राय आजसू केंद्रीय सचिव, रवि केशरी कांग्रेस नगर अध्यक्ष, ध्रुव प्रसाद साह राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के दर्जनों लोग मौजूद थे। विधायक ने कहा कि वैश्य सभा हलवाई समाज सदियों से समाज सेवा में अग्रणीय भूमिका निभाते रहे हैं। जब तक यह मेला रहेगा तब तक यहां व्यवस्था के साथ सेवा जारी रहेगी। शिविर में फर्स्ट एड के साथ शरबत, पानी, फल, दवाई इत्यादि की सुविधाएं हैं। देखिए, सावन का पवित्र मास बाबा वैद्यनाथ देवघर की धरती के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक उत्सव के रूप में यहाँ के लोग लेते हैं। सरकार हो, जिला प्रशासन हो या स्थानीय लोग, तीनों की सहभागिता से लोग इस कार्य को अंजाम देते हैं। और आज सेवा शिविर का उद्घाटन हम लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें सूरज जी हैं, महेश बाबू हैं, ध्रुव जी हैं। ये अखिल भारतीय मध्य देशीय हलवाई समाज के द्वारा बाबा गणिनाथ निशुल्क सेवा शिविर लगातार सावन तक निशुल्क चलते रहेगा। और उसमें इस शिविर में तमाम सुविधाएं हैं। फर्स्ट एड की व्यवस्था होगी, नींबू पानी की व्यवस्था होगी, चाय की व्यवस्था भी होगी। कांवरिया बंधुओं के सेवा के लिए हर प्रकार से ये समाज हमेशा तत्पर रहता है। और हम हलवाई समाज के विषय में कह सकते हैं, चाहे सामाजिक चिंतक के रूप में, चाहे आध्यात्मिक सोच के रूप में, चाहे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, समाज को ये समाज हमेशा उत्तरोत्तर एक दिशा देने का काम किया है, एक सेवा देने का काम किया है। आज हलवाई समाज के द्वारा गणिनाथ बाबा के नाम से निःशुल्क सेवा शिविर जो खिजरिया पथ में चालू किया गया, उसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय देवघर विधायक श्री नारायण दास जी के द्वारा किया गया। और ये जो हलवाई समाज का शिविर आपने देखा होगा, कई वर्षों से श्रावणी मेला में चाहे अन्य कोई उत्सव त्यौहार पर्व हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें इन समाज का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, जो देख रहे हैं हमारे ये खिजरिया गोलबम पथ है, मध्य देशीय समाज की ओर से पहले भी कई वर्षों से शिविर लगातार चलता आ रहा है। इस वर्ष भी आज हमारे देवघर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण दास जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ, जिसमें मध्य देशीय समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव जी थे, हमारे सूरज झा जी थे। यहाँ आप देखेंगे कि आज से जो फर्स्ट एड की व्यवस्था है, कंवरिया बंधु 110 किलोमीटर चलकर आते हैं, उनका जख्म वगैरह बुखार उसकी सुविधा है, उन्हें इलाज की सुविधा होगी। नींबू पानी, फलाहार बम के लिए फलाहार की सुविधा होगी। और विशेष तौर से अगर जैसे कंवरिया की ज़रूरत होगी, तो अगर कोई कंवरिया विशेष रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ समाज के द्वारा निरंतर हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ने, इस बार हम लोग का 51 दिन का सेवा रहेगा, क्योंकि मास इसीलिए हम लोग करने में थोड़ा विलंब हुए, लेकिन अब हम लोग का जो सेवा नियंत्रण 51 दिन तक हम लोग अपने समाज के द्वारा करेंगे। और उत्साह के साथ।